सबसे पहले मैं सभी को यहाँ सभी उपस्थित बड़े और छोटे दोस्तों सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी मैं यहाँ शायरी की अपनी कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले जैसा कि सभी के लिए देश सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तो देश से ही शुरू करूँगा कि जीऊँ तो माता पिता की शान बढ़ाऊँ, मरूँ तो देश का अभिमान बन जाऊँ। कि जीऊँ तो माता पिता की शान बढ़ाऊँ, मरूँ तो देश का अभिमान बन जाऊँ। बस एक ही तमन्ना है मेरी कि सरहद से तिरंगे में लिपट कर घर आऊँ, कि सरहद से तिरंगे में लिपट कर घर आऊँ। और दूसरी कविता, दूसरी शायरी कुछ इस तरह है कि मोहब्बत वतन से कुछ इस कदर निभाएंगे कि जब तक जिएंगे जिंदगी सरहद पर बिताएंगे। कि मोहब्बत वतन से कुछ इस कदर निभाएंगे कि जब तक जिएंगे जिंदगी सरहद पर बिताएंगे। और तेरे दूध का कर्ज अगले जन्म चुका देंगे माँ, इस जन्म हम मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। और देश के फौजियों के लिए लिखा था कि वो कुर्बानियाँ देते हैं हमारे लिए, तो अपनी हर ख्वाहिश को खुद में दबा लेता है, अपनी हर ख्वाहिश को खुद में दबा लेता है, खुद बुझकर पूरे देश को रोशनी से जगमगा देता है। हाँ वो फौजी ही है साहब जो हमारे लिए खुद को मिटा देता है, हाँ वो फौजी ही है साहब जो हमारे लिए खुद को मिटा देता है। और एक वक्त पे लिखा था कि राह चलते लोगों को बदलते देखा है मैंने, मुस्कुराते चेहरों को ढलते देखा है। राह चलते लोगों को बदलते देखा है मैंने, मुस्कुराते चेहरों को ढलते देखा है। और माना अभी तजुर्बा कम है, माना कि अभी तजुर्बा कम है, मगर मैंने वक्त को रेत की तरह फिसलते देखा है। और एक लिखा था माँ पे कि बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जो माँ के होते हुए उनकी कद्र नहीं कर पाते, कि बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जो माँ के होते हुए भी उनकी कद्र नहीं कर पाते, वरना माँ का प्यार पाने के लिए तो भगवान भी अवतार लेकर धरती पर आते हैं। और एक कलम पे लिखा था कि मैं अपनी कलम से अपने जज्बात लिखता हूँ, कि मैं अपने कलम से अपने जज्बात लिखता हूँ, मैं कोई आशिक नहीं हूँ बस अपने दिल की बात लिखता हूँ। और मैं कोई आशिक नहीं हूँ बस अपने दिल की बात लिखता हूँ। और जिन्हें शक है ना मेरी काबिलियत पर, कि जिन्हें शक है ना मेरी काबिलियत पर, उन्हें बता दूँ कि मैं अपनी कलम से सारे ज़माने की औकात लिखता हूँ। और एक लिखा था कि अपना कह के मुझे अपने पास बुला लो, कि अपना कह के मुझे अपने पास बुला लो, मैं किताब बन जाऊँ तुम पढ़ते पढ़ते मुझे सीने से लगा लो। और एक लिखा था कि मेरे शहर से उसका घर दूर बहुत है, मिलना चाहते हैं पर मजबूर बहुत हैं। कि मेरे शहर से उसका घर दूर बहुत है, मिलना चाहते हैं पर मजबूर बहुत हैं। और ऐसा आलम हो गया है ज़िंदगी का, कि ऐसा आलम हो गया है ज़िंदगी का, हम उनकी गली में भी नहीं जा सकते, वहाँ हम मशहूर बहुत हैं। और एक लिखा था कि स्कूल डेज़ पे, कि अपने स्कूल को मिस करते हुए, कि मैं फिर वापस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहता हूँ, बेवजह उनसे छोटी छोटी बातों पे लड़ना चाहता हूँ। मैं फिर वापस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहता हूँ, उनसे छोटी छोटी बातों पे लड़ना चाहता हूँ। कोई लौटा दो मुझे मेरा बचपन, कि कोई लौटा दो मुझे मेरा बचपन, मैं वापस स्कूल जाके पढ़ना चाहता हूँ। और कई बार होता है कि लोग हमें पसंद आते हैं पर हम जानते हैं कि वो हमें मिलेंगे नहीं, तो उसके लिए लिखा था कि अब इस चाहत को हम मिटाएं कैसे, मसला दिल का है इसे सुलझाएं कैसे। कि अब इस चाहत को हम मिटाएं कैसे, मसला दिल का है इसे सुलझाएं कैसे। और हम जानते हैं वो हमारे नहीं हो सकते, कि हम जानते हैं वो हमारे नहीं हो सकते, पर ये बात हम दिल को समझाएं कैसे। और फिर एक लिखा था कि मैं अगर दर्द सह रहा हूँ तो सहने दो ना, वो मुझसे दूर है तो रहने दो ना। कि मैं दर्द सह रहा हूँ तो सहने दो ना, वो मुझसे दूर है तो उसे रहने दो ना। और क्या कहा, वो कहती है वो मुझे बुरा कह रही है, क्या कहा वो मुझे बुरा कह रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, कहने दो ना। और एक लिखा था कि मैं थोड़ा जज्बाती हूँ उसकी एक मुस्कान पे पिघल जाता हूँ। कि मैं थोड़ा जज्बाती हूँ उसकी एक मुस्कान पे पिघल जाता हूँ, वैसे तो मैं लड़का सख्त हूँ पर उसकी खुली जुल्फे देख के फिसल जाता हूँ। और एक लिखा था आजकल देश में क्या हो रहा है सब अच्छे जानते हैं, कि डरी हुई सिसकती आँखों में कोई ख्वाब पलता है क्या। कि डरी हुई सिसकती आँखों में कोई ख्वाब पलता है क्या। और कब तक डर के रहेंगी इन ज़माने के दरिंदों से हमारी बहन बेटियाँ। कि कब तक डर के रहेंगी इन ज़माने के दरिंदों से हमारी बहन बेटियाँ। कहीं मोमबत्ती जलाने से इंसाफ मिलता है क्या, कि कहीं मोमबत्ती जलाने से इंसाफ मिलता है क्या। थैंक यू सो मच।